यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। वहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में धमाका हो गया। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इलाके में शनिवार की दोपहर 3 बजे के करीब की यह घटना है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनाई दे गई। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास की बिल्डिंग में छतें टूट गई। बिल्डिंग से कंटेनर के बड़े बड़े लोहे के टुकड़े दूर तक हवा में बिखर गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई हैं, जो टॉय गन में इस्तेमाल होते हैं। माना जा रहा है कि यहाँ बारूद का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, उसी की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। अब हापुड़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम के अलावा ड्रोन के जरिए भी पूरी फैक्ट्री की मैपिंग की गई है। वहाँ के फुटेज लिए गए ताकि ये पता चले कि किस धमाके का कितना असर पूरी बिल्डिंग पर हुआ है। यहाँ पे अनुमन्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। यहाँ अनुमन्यता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी एंड उस पे अभी हम लोग जांच प्रक्रिया में है पूरा, कि कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी और क्या काम कर रही थी, वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिलशाद नाम का शख्स फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है, जिसने वसीम नाम के एक शख्स को किराए पर दे दिया था। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है, साथ ही हादसे में घायल लोगों के लिए उचित इलाज का निर्देश दिया है। कानपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा को लेकर उससे पूछताछ जारी है। हयात जफर हाशमी पर हिंसा फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप है। इससे पहले उसका नाम CA NRC के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में भी सामने आया था। हयात जफर हाशमी मौलाना मोहम्मद जोहर अली फैंस एसोसिएशन का संचालक है। हिंसा के मामले में दर्ज 3 में से 2 FIR में उसका नाम है। पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे, ये है हयात जफर हाशमी। कानपुर में हुई हिंसा में कट्टरवादी इस्लामिक संगठन PFI का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिंसा की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ये पता चलाने में जुटी है कि बंद वापस लेने के बाद भी कानपुर में हिंसा कैसे भड़की, क्या इसके पीछे कोई साजिश रची गई और इस साजिश के पीछे किसी संगठन का हाथ तो नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां सरपंच चरण कौर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मूसेवाला हत्याकांड की जांच पंजाब पुलिस की SIT कर रही है। अमित शाह से मुलाकात के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने चुनाव लड़ने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है उससे दुख होता है, मैं अपनी बात 8 जून को लोगों के सामने रखूंगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया गया है। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच शुक्रवार को ही गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आला अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से 177 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1,357 नए केस आए।
इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने सहित कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन, बस, सिनेमा, सभागार, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य है। आज बिहार में आरजेडी नीतीश सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोलेगी, पार्टी सरकार पर नाकामियों का आरोप लगाएगी, नाकामियों की लिस्ट गिनाएगी। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में आरजेडी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है, वही रिपोर्ट कार्ड को पेश किया जाएगा। एक दिन पहले ही आरजेडी ने बैठक कर राज्य सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के खिलाफ सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार किया है। उधर नीतीश ने आरजेडी के इस अभियान को लेकर कहा है कि वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर हैं। रांची के मोराबादी मैदान में नड्डा आज एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को जनजातीय रैली का नाम दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर एक दिन पहले ही गंगा किनारे विशेष आरती का आयोजन किया गया। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की रंगोली उकेरी गई है। उनके कटआउट के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। गंगा आरती के दौरान गंगा घाट पर बुलडोजर को शामिल किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे बाबतपुर पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर से BLW रवाना हो जाएंगे। BLW गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद सड़क मार्ग से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति दिल्ली लौट जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हेमंत स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने बिना टेंडर के PPE किट का ठेका अपनी पत्नी को दे दिया था। सिसोदिया ने कहा कि मार्केट में किट की कीमत लगभग 600 रुपए थी, लेकिन बिस्वा ने अपनी पत्नी की कंपनी को 990 रुपए रेट के हिसाब से ठेका दिया था। इसके अलावा शर्मा ने अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को भी ठेका दिया था। जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था, उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से PPE किट्स खरीदने के ठेके जारी किए, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में, इमरजेंसी में PPE किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया की ओर से लगाए गए करप्शन के आरोपों का हेमंता बिस्वा सरमा ने जवाब दिया। असम के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया पर मानहानि का केस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, मेरी पत्नी ने लोगों की मदद के लिए सरकार को 1500 PPE किट दिए और एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि उस दौर में दिल्ली में रह रहे असम के लोगों की मदद के लिए आप फोन भी नहीं उठाते थे। हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि झूठ बोलना बंद करिए, मैं जल्द ही आप पर आपराधिक मानहानि का केस करूंगा। To defend my career, now he has to prove that whether any money has been paid to my wife. He has to prove, and I am sure that Assam government will also officially clarify in the court of law. ओडिशा में नवीन पटनायक कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब प्रदेश में नए मंत्रियों को प्रभार सौंपा जाएगा। आज ओडिशा के राजभवन में नए मंत्रियों की शपथ होगी। राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि पटनायक अपनी नई टीम के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है।
29 मई को ही ओडिशा सरकार ने अपने 3 साल पूरे किए हैं, जिसके बाद से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से जुटी हैं। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव को फिलहाल टालने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। संजय राउत ने शनिवार को कहा कि वो राज्यसभा चुनाव की तारीखों को स्थगित करना चाहते थे ताकि कोई खरीद फरोख्त न हो।